बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास, पिछले चैप्टर नंबर 16 में हमने मेटलर्जी, देन सॉल्विंग प्रोसेस पढ़ा था। आज के लेसन में हमने सॉल्विंग प्रोसेस के जो फ़ायदे हैं ना, वो डिस्कस करने। सॉल्विंग प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट तैयार करने के लिए हमने डिस्कस किया था, उसकी फ्लो शीट भी आपने देखी, रॉ मटेरियल रिएक्शन भी देखे आपने, उनको सबको सामने रखें, जहन में रखें, तो ये आपको एडवांटेजेस ऑफ सॉल्विंग प्रोसेस फिर समझ आएगा। तो हम लेसन शुरू करते हैं। इसके 5 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि इट इज़ ए चीप प्रोसेस एज रॉ मटेरियल आर अवेलेबल एट वेरी लो प्राइसेस। क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है बहुत सस्ता अवेलेबल है, मिल जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही चीप प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर रिकवर्ड एंड रीयूज। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिकवर होते हैं और रीयूज हो जाती है, इनको बार बार तैयार नहीं करना पड़ता। नंबर 3, प्रोसेस इज पोल्यूशन फ्री, इसमें कोई पोल्यूशन पैदा नहीं होती, बिकॉज द ओनली वेस्ट इन इज कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन, ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती इसमें। चौथा पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट और वेरी हाई क्वालिटी, ए हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन। इसमें जो सोडियम कार्बोनेट हासिल हो रहा है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है। पांचवा पॉइंट है बेटा, कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज़ वेरी लेस, फ्यूल का इस्तेमाल बहुत ही कम है, क्योंकि नो सोल्यूशन इज़ टू बी इवेपोरेटेड, क्योंकि किसी भी सोल्यूशन को गर्म नहीं करना पड़ता। उसके साथ ही ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एक पैराग्राफ है, जिसमें पूछा जाता है कि पाकिस्तान में सोडियम कार्बोनेट कहाँ तैयार किया जाता है और इसके यूजेस क्या हैं। पाकिस्तान इज़ सेल्फ सफिशिएंट एज फार एज डिमांड ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज़ कंसर्न। इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ICI क्योरा जेलम इज़ प्रोड्यूसिंग एनफ सोडियम कार्बोनेट, दिस यूनिट वॉज एस्टेब्लिश इन 1944 इन क्योरा, बिकॉज अबंडेंट रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड इज अवेलेबल हेयर। सिंध अल्कलीज लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश नियर कराची इन 1966। तो बेटा इस पैराग्राफ में आपसे MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लिहाजा इनको भी आपने अंडरलाइन करना है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाई कार्बोनेट आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल एंड आर यूज बाई मैनी इंडस्ट्रीज। तो बेटा ये आज का लेसन आपका, और ये होमवर्क में आपने ये बॉक्सेस के 5 क्वेश्चन हैं, इनको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। आज का लेसन इतना थोड़ा सा ही है, लिहाजा इसको याद करें और जो पिछला लेसन उसको रिवाइज करें। अल्लाह हाफिज़।